हेलो दोस्तों, आप सभी का होम रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको सबका पसंदीदा यानी कि बच्चे हो या बड़े, हर कोई चॉकलेट तो खाना पसंद करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बढ़िया चॉकलेट बनाने का तरीका दिखाने वाला हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान और आप सभी को बेहद पसंद आएगा। तो फिर चले बनाना शुरू करें। इस चॉकलेट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले इस पैन में आधा लीटर दूध डालना है, क्योंकि हमें पहले कंडेंस मिल्क जो बनाना है। चाहे तो आप रेडीमेड कंडेंस मिल्क भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों हमें आधा लीटर दूध के पीछे 150 ग्राम चीनी डालना है। यह परफेक्ट मेजरमेंट है, इससे ना बहुत ज़्यादा मीठा ना फीका बनेगा। अब इसमें डालना है 20 से 25 ग्राम बटर। चाहे तो आप सेम क्वांटिटी में घी भी डाल सकते हो। अभी फ्लेम को मीडियम टू स्लो रखकर हम इसमें तब तक चम्मच चलाएंगे जब तक कि ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए, यानी कि ये क्वांटिटी में 70 से 80% कम होना चाहिए। तब तक हमें इसमें चम्मच चलाते रहना होगा। तो उसके लिए दोस्तों लगभग 10 से 12 मिनट का समय लगता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यह क्वांटिटी में काफ़ी कम हुआ है, यानी कि कंडेंस मिल्क तैयार है। अभी इसे थोड़ा रूम टेम्परेचर में आने देंगे और बाद में कंडेंस मिल्क को एक मिक्सिंग बाउल में निकालेंगे। अभी क्या करेंगे, इस छलनी में 3 से 4 चम्मच कोको पाउडर डाल के इसे छान कर लेंगे। तो ऐसे छान लेने के बाद हम पहले इसे मिलाकर देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमें इस चॉकलेट के मिक्सचर को थोड़ा सा गाढ़ा बनाना है, तो ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें कोको पाउडर ऐड करते जाएंगे। तो आप भी मिलाते हुए जैसे जैसे ज़रूरत लगे उस हिसाब से कोको पाउडर डाल के इस तरह का चॉकलेट का मिक्सचर बना लीजिए। और बाद में आपको क्या करना है, ऐसा पॉलीथीन लेना है। चाहे तो आप बटर पेपर या फॉइल पेपर भी ले सकते हो। तो आपने जो भी लिया हो उस पे बनाया हुआ चॉकलेट का मिक्सचर डाल दीजिए। अभी हम इसे ऐसे प्रेस करते हुए इक्वली स्क्वायर शेप देने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ऐसे शेप देने के बाद पॉलीथीन को चारों ओर से फोल्ड करके इसे कवर करेंगे। अभी क्या करेंगे, इसे उठा के 40 से 50 मिनट तक फ्रिज में रखते हैं। तो अभी हम पहले एक प्लेट में थोड़ा सा कोको पाउडर छान लेते हैं, क्योंकि हमें इस पे चॉकलेट जो रखना है। ये देखिए, इसे मैंने घड़ी में देखकर 50 मिनट तक फ्रिज में रखा था। तो इसके ऊपर की रैपिंग को हटा के जो हमने प्लेट में कोको पाउडर छान लिया है इसे उस पे रखेंगे। और ऐसे रखने के बाद इसके ऊपर भी कोको पाउडर छान लेते हैं, यानी कि पतली सी लेयर बने उतना ही छान लेना है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले इसे लंबे लंबे स्ट्रिप में काट लेंगे और बाद में इस तरह बड़े बड़े क्यूब्स में भी काट लेना है। तो ऐसे चॉकलेट बनाने के बाद आप इसे जिस भी आकार में बनाना चाहते हो, यानी कि आप इसे जैसा भी शेप देना चाहते हो उस शेप में बना सकते हो। और बनाने के बाद इसे फ्रिज में स्टोर करके आप जब चाहे तब खा सकते हो।